प्रेमी सज्जनों की सेवा में महाभारत की कथा से पांडव वनवास के प्रसंग की कुछ रागनियां पेश हैं। हस्तिनापुर में पांडव जुए में हार गए थे और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया था और इस जुए की शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा। महात्मा युधिष्ठर वन में ऋषियों को नित्य कथा सुनाते और फिर भोजन कराते थे। एक दिन भोजन का प्रबंध न हो सका तो युधिष्ठर गमगीन होकर बैठ गए और उनकी आंखों में पानी भर आया। द्रौपदी ने पति का ऐसा हाल देखा तो उनके पास में बैठकर पूछती है कि प्रियवर, आज क्या बात है? क्षत्रियों को आंसू तो शोभा नहीं देते हैं, तुम्हें आज ऐसा क्या दुख है? तो युधिष्ठर रुंधे से गले से कहता है कि पांचाली, आज मैं इस बात पर दुखी हूं कि मैं आज ऋषियों महात्माओं के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सका, अतः आज मैं कथा नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों विप्रों को दान देने के लिए उन्हें भोजन कराने के लिए आज कुछ भी तो नहीं है, अतः आज मेरे मन में प्राण त्यागने की इच्छा पैदा हो रही है। पति का ऐसा हाल देखकर द्रौपदी के आंखों में भी आंसू भर आए और अपने पति धर्मपुत्र से कुछ धीरज बंधाती है, उनको सांत्वना देती है और क्या कहती है, धर्मपति का हाल देख रोई द्रौपदी जाई, सब रोगों में रोग बुराया कंगाली बदलाई, कंगाली बदलाई। धर्मपति का हाल देख रोई द्रौपदी जाई, सब रोगों में रोग बुराया कंगाली बदलाई, कंगाली बदलाई। कंगाली मैं पिता पुत्र से दुराचारी हो जा, कंगाली मैं पुत्र छोड़ के माता न्यारी हो जा, कंगाली मैं ब्राह्मण नीच के आज्ञाकारी हो जा, कंगाली मैं कुलवंती नारी भी व्यभाचारी हो जा, कंगाली मैं कुलवंती नारी भी व्यभाचारी हो जा। हाँ कंगाली मैं रिश्तेदार भी, कंगाली मैं रिश्तेदार भी, ले तोड़ सभी असनाई, सब रोगों में कंगाली में घर छूट जा और दर दर डोलन लागे, कंगाली में चोरी जारी की गठड़ी खोलन लागे, कंगाली में ऊंच नीच के पंखा झोलन लागे, कंगाली में बहन भाई ने उल्टी बोलन लागे, कंगाली में बाण भाई ने उल्टी।
कंगाली में आंखें बदल जाओ, कंगाली में आंखें बदल जा, यो माँ का जाया भाई, सब रोगों में रोग बुराया, कंगाली बदलाई, कंगाली बदलाई, धर्मपति का हाल देख लो, द्रौपदी जाई, सब रोगों में रोग बुराया, कंगाली बदलाई, कंगाली बदलाई। कंगाली में फटा पुराना वस्त्र भावन लग जा, कंगाली में मित्र मित्र से आंख चुरावन लग जा, कंगाली में श्रेष्ठ मनुष्य भी झूठा खावन लग जा, कंगाली में नारपति ने बुरा बतावन लग जा, कंगाली में नारपति ने बुरा बतावन लग जा, हाँ कंगाली में शाह भी नाच जा, कंगाली में शाह भी नाच जा, और एक मिले न पाई, सब रोगों में रोग बुराया, कंगाली बदलाई, कंगाली बदलाई, धर्मपति का हाल देख रो, द्रौपदी जाई, सब रोगों में रोग बुराया, कंगाली बदलाई। कंगाली में लाजदार की लाज बिगड़ जा सारी, कंगाली में कर्ज चुके ना हो भारी लाचारी, कंगाली में धर्म छोड़ के बन जा मनुष्य भिखारी, गुरु मान सिंह इससे बढ़ के और नहीं बीमारी, गुरु मान सिंह इससे बढ़ के और नहीं बीमारी, हाँ सब रोगों की मिले दवाई हो, सब रोगों की मिले दवाई, पर इसकी नहीं दवाई, सब रोगों में रोग बुराया, कंगाली बदलाई, कंगाली बदलाई, धर्मपति का हाल देख रो, द्रौपदी जाई, सब रोगों में रोग बुराया, कंगाली बदलाई। द्रौपदी अपने पति को तसल्ली देकर के कहती है कि आप कथा करिए, मैं सूर्य देव की उपासना करूंगी और अभी कुछ देर में वापिस आ जाऊंगी। इस प्रकार द्रौपदी एक गुफा में जाकर सूर्य देव की स्तुति करती है और मंत्र जाप करती रहती है, तो सूर्य देव ने द्रौपदी को दर्शन दिए और इच्छा का वरदान मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने अपनी मनोकामना बताई तो सूर्य देव ने एक टोकनी द्रौपदी को दे दी और कहा कि इस बटलोई में आप नित्य प्रति खीर बनाया करिए, जब तक तुम स्वयं भोजन नहीं करोगी तब तक इस टोकनी की खीर समाप्त नहीं होगी। तो द्रौपदी बटलोई को लेकर कुटिया में आ गई और अपने पतियों को उस टोकनी के विषय में सूर्य देव के वरदान के बारे में क्या कहती है। चमकेगा सितारा पिया थारी तकदीर का, तीनों लोग जिमाओ भोजन बटलोई में खीर का, चमकेगा सितारा पिया थारी तकदीर का,
भोजन है तैयार पतड़ ऋषियों आग धारियो प्रेम से जिमाओ सबको कमी जान मत डरियो प्रेम से जिमाओ सबको कमी जान मत डरियो हाँ मन में मत ना ख्याल करियो मन में मत ना ख्याल करियो गजपुर की जागीर का दिनों लोग जिमाओ भोजन पटलोई में खीर का चमकेगा सितारा पिया थारी तक दीर का दिनों लोग जिमाओ भोजन पटलोई में खीर का दरवाजे पे भिक्षुक आवे हंस के दान देना चाहिए कर्म करा हुआ मिलेगा दुख सुख राजी हो के खेना चाहिए कर्म करा हुआ मिलेगा दुख सुख राजी हो के खेना चाहिए हाँ मौका लगते ही लेना चाहिए मौका लगते ही लेना चाहिए के बदला मेरे चीर का दिनों लोग जमाओ भोजन पटलोई में खीर का चमकेगा सितारा पिया थारी तक दीर का दिनों लोग जमाओ भोजन पटलोई में खीर का समय पे काम आवेगा सिद्धि योग कमाया हुआ फल खावे और छा में बैठे आम का पेड़ लगाया हुआ फल खावे और छा में बैठे आम का पेड़ लगाया हुआ ये मंत्र इष्ट बताया हुआ हो मंत्र इष्ट बताया हुआ हो हमें दुर्वासा फकीर का दिनों लोग जमाओ भोजन पटलोई में खीर का चमकेगा सितारा पिया थारी तक दीर का दिनों लोग जमाओ भोजन पटलोई में खीर द्वेष तृष्णा लगी रह रघुनाथ तन में ना दिखे ना कुत्ता भोसे रमते राम रे बण में ना दिखे ना कुत्ता भोसे रमते राम रे बण में धीरज धर्म धरो पिया मन में धीरज धर्म धरो पिया मन में पालन करो शरीर का दिनों लोग जिमाओ भोजन पटलोई में खीर का चमकेगा सितारा पिया थारी तक दीर का दिनों लोग जिमाओ भोजन पटलोई में खीर का इस प्रकार पांचों पांडव व द्रौपदी वन में रहकर अपना वक्त बिता रहे थे। एक दिन क्या होता है कि दोपहर के 3 बजे के करीब जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी तो अचानक ऋषि दुर्वासा अपने 14,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम पर आ पहुंचे जो कि दुर्योधन के ही भेजे हुए थे। दुर्योधन चाहता था कि किसी प्रकार से यदि दुर्वासा पांडवों से नाराज हो जाएंगे तो उनको शाप दे देंगे। अब तो युधिष्ठर ने सभी का स्वागत किया और ऋषि दुर्वासा की पूजा और सेवा की आज्ञा मांगी तो ऋषि ने कहा कि महाराज हम भूखे हैं
भोजन करेंगे। तो युधिष्ठिर ने निवेदन किया कि महात्मा आप सब लोग स्नान कर लीजिए, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। तो ऋषि वह उसके शिष्य तो स्नान के लिए चले गए और युधिष्ठिर ने द्रौपदी से भोजन परोसने के लिए कहा। लेकिन द्रौपदी ने क्षमा मांगते हुए कहा कि श्रीमान, आपको तो याद है कि मेरे भोजन करने के बाद टोकनी में भोजन समाप्त हो जाता है और अब दोपहर के 3 बजे हैं, मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, तो अब भोजन कहाँ से लाऊं? तो द्रौपदी की यह बात सुनकर युधिष्ठिर का चेहरा उतर गया, क्षण भर में उदास होकर दुख में व्याकुल हो गया और फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। तो द्रौपदी पति को ऐसा करने से रोकती है और फिर कृष्ण की स्तुति करती है। स्तुति को सुनकर के भगवान कृष्ण पल भर में ही आश्रम में आ पहुंचे और द्रौपदी से क्या कहते हैं। करुणा भरी पुकार सती की सुनके कृष्ण घबराए, आदि पुरुष अंतर्यामी फिर एक पल बीच बनी आए। करुणा भरी पुकार सती की सुनके कृष्ण घबराए, आदि पुरुष अंतर्यामी एक पल बीच बनी। और द्रौपदी से आ कृष्ण मुरार मिले हैं, पांचों पांडव भी मोहन से करके प्यार मिले हैं। घना प्रेम अर्जुन से बिछड़े यार से यार मिले हैं, चले ऋषि दुर्वासा के खड़े 14,000 मिले हैं। 14,000 मिले प्रेम भाव से सबने दर्शन, प्रेम भाव से सबने दर्शन, त्रिलोकी के पाए आदि पुरुष अंतर्यामी एक पल बीच बनी आए। करुणा भरी पुकार सती की सुन के कृष्ण घबराए, आदि पुरुष अंतर्यामी एक पल बीच बनी। कृष्ण ने अचरज की बात कही है, भोजन दो मेरी बहन मुझे तो भूख सता रही है, भूखे पे बोला ना जाता कष्ट में कसर नहीं है, दुखते मैं दूनी लगती है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही। द्रौपदी के चेहरे पे एकदम, द्रौपदी के चेहरे पे एकदम गम के बादल छाए, आदि पुरुष अंतर्यामी एक पल बीच बनी आए। करुणा भरी पुकार सती की सुन के कृष्ण घबराए, आदि पुरुष अंतर्यामी एक पल बीच बनी। फिर द्रौपदी बोली कृष्ण से, जल पीने को गंगा जी है, बिस्तर के लिए रेती, कोई नहीं रुजगार हमारा, बनज करे न खेती, मेरे खाने के बाद टोकनी फिर खीर ना देती। कृष्ण कन्हैया भैया तेरी बहन बलैया लेती, बहन बलैया लेती। हाँ 14
हजार ऋषि के चेले, चौदह हजार ऋषि के चेले, कैसे जाए जिमाए आदि पुरुष अंतर्यामी, एक पल बीच बनी आए, करुणा भरी पुकार सती की सुन के कृष्ण घबराए, आदि पुरुष अंतर्यामी, एक पल बीच बनी आए। आँखों में से जल झिर का, हृदय धड़कन तेज हुई और दर्द उभर गया सिर का, लगा टोकनी मैं कृष्ण को एक चावल का किर का, कह रघुनाथ मस्त गाने में लहदारी का फिर का, लहदारी का फिर महाभारत की कथा भजन को, महाभारत की कथा भजन को कटके भाषा में गाए, आदि पुरुष अंतर्यामी, एक पल बीच बनी आए, करुणा भरी पुकार सती की सुन के कृष्ण घबराए, आदि पुरुष अंतर्यामी, एक पल बीच बनी ने टोकनी में देखा कि एक चावल शेष बचा है, तो जैसे ही उस चावल को निकाल कर खाया तो स्नान करने गए ऋषि व उसके शिष्यों को प्यास लगी और उन्होंने खूब पानी पिया और उनकी भूख की तृप्ति हो गई और आश्रम में आकर कहने लगे कि प्रिय युधिष्ठिर, हम भोजन नहीं करेंगे क्योंकि हमें भूख है ही नहीं, और फिर आश्रम पर ठहरने से भी इनकार कर दिया और वहां से चले आए। इधर दुर्योधन तो पांडवों के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचता ही रहता था, अपने कुछ महारथियों को साथ में लेकर हस्तनापुर से चल देता है और उसी वन की ओर चलाया जहां पांडव रहते थे। उसके मन में पांडवों के प्रति हर समय द्वेष की ज्वाला दहकती रहती थी। इन्हीं विचारों के साथ वह वन में आ गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद में वह अपने महारथियों से बिछुड़ गया। एक जगह तालाब में एक मनुष्य जिसका नाम चित्र गंधर्व था, वह अपनी पत्नी के साथ में स्नान कर रहा था। उसने घोड़े पर चढ़े दुर्योधन को देखा और उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो दुर्योधन चित्र गंधर्व से क्या कहता है और फिर क्या घटना घटती है, सारा हाल रागनी में सुनिए। गंधारी का लाल चलानु बन के आप शिकारी, देश बैर की आग लगी थी चित में चिंता भारी, गंधारी का लाल चलानो बन के आप सिखाई, द्वेषर की आग लगी थी चित में चिंता भारी, ओ द्वेषर की आग लगी थी चित में चिंता भारी। ईर्ष्या पांडो की न्यू जी में हुआ करे, किसी तरह पांडव मारे जा करता रोज हमें, उसी स्वर के आगे तैना चले मनुष्य की पे, निर्धन खुशी रहे दुनिया में पावे कष्ट नरे, कुछ सैनिक ले लिए साथ में, कुछ सैनिक ले लिए साथ में, चल दिया छत्तरधारी, देश भर की
लगती चित में चिंता भारी। गंधारी का लाल जलानू बन गया सिपाही, तुए शहर की आग लगती चित में चिंता भारी। हो तुए शहर की आग लगती चित में चिंता भारी। से थान भयानक ताल एक अल बेला, चित्र गंधर्व ब्राह्मण का सुत तला पे आके खेला। पत्नी के संग नित नहावे था मौज मस्त का मेला। हाथी पे असे वार कोई, यो हाथी पे असे वार कोई, सोने की धरी अंबारी बेश्वर के आगे लगी थी चित में चिंता भारी। गंधारी का लाल जलानो बन गया सिपाही, बेश्वर के आग लगी थी चित में चिंता भारी। ओ बेश्वर के आग लगी थी चित में चिंता भारी। हाथी वाले कौन आदमी चित्र गंधर्व बोले, रास्ता नहीं दिखता आगे चले नैन नहीं खोले। मैं दुर्योधन राजा लेता मन मस्ती के झोले, हस्तनापुर का रहने वाला साथी बिछड़े डोले। अस्वस्थामा कर्ण विकर्ण और अस्वस्थामा कर्ण विकर्ण और बटे बटे बलकारी, बैर की आग लगी थी चित में चिंता भारी। गंधारी का लाल जलानू बन गया सिखारी, द्वेष बैर की आग लगी थी चित में चिंता भारी। हो द्वेष बैर की आग लगी थी चित में चिंता भारी। जल के आग बबूला, रुक जाओ बेईमान फिरे तू कौन भूल में भूला। तेरा सारा नशा उतारू तू चढ़ हाथी पे टुल्ला। कथा कहे रघुनाथ जीव माया की झूल में झूला। फिर चित्तर बोला घनी सताई, चित्तर बोला घनी सताई, तने द्रौपदी नारी वेश पैर की आग लगी थी चित में चिंता भारी। तालाब में स्नान करते हुए चित्र गंधर्व ने दुर्योधन से उसका परिचय पूछा, और जब दुर्योधन ने बताया कि मैं हस्तनापुर का नरेश दुर्योधन हूं, तो चित्र गंधर्व को क्रोध आ गया। तालाब से बाहर निकला और पूछा, क्या तू वही दुर्योधन है जिसने एक नारी को यानी द्रौपदी को सभा में अपमानित किया था? दुष्ट जालिम, आज तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। और इस प्रकार चित्र गंधर्व ने दुर्योधन को पकड़ लिया, अपने गांव में ले गया, उसको पेड़ से बांध दिया। अब तो दुर्योधन के सैनिक उधर को आए, लेकिन चित्र गंधर्व ने उनके साथ में भी वैसा ही बर्ताव किया।
दुर्योधन का हलकारा पांडवों की कुटिया पर दौड़ करके गया और अर्जुन को यह खबर पहुंचा दी। अर्जुन दौड़कर आया और किसी प्रकार दुर्योधन को छुड़ा करके ले गया। दुर्योधन भी पांडवों की कुटिया पर पहुंच गया और द्रौपदी के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखता है, लेकिन द्रौपदी कहां संधि चाहती थी, उसको तो अपना अपमान रात दिन झकझोरता रहता था। अतः गुस्से में भरकर दुर्योधन से क्या कहती है, बंधा हुआ छुटवाया है नू जोर हमारे हाथों में, जेठ भड़कती अग्नि से तू केलेगा इन बातों में। बंधा हुआ छुटवाया है नू जोर हमारे हाथों में, जेठ भड़कती अग्नि से तू केलेगा इन बातों में। हाँ मेरी छाती में खटके से तेरे बोल कसुते भूले हुए, किस में कितना पानी है चल बाण जोर से तुले हुए। अब देखे तो देख घाव मेरी छाती के मछुले हुए, आँखों आगे खड़ी देख ले बाल शीश के खुले हुए। जब नंगे सर से नाच लई तो नंगे सर से रजपूतों की पंचायतों में। बंधा हुआ छुटवाया है नू जोर हमारे हाथों में, जेठ भड़की अग्नि से तू केलेगा इन बातों में। बंधा हुआ छुटवाया है राजनीति और छल कपट में तू हो नामी पर वीण लिया, बेईमानी से जुआ खेल के राज हमारा छीन लिया। तन नंगी जांग दिखाई सुता को धर्म से हो बेदीन लिया, आज समय पड़े पे हाथ जोड़ के मारे हो आधीन लिया। तेरा फल खाए ते पेट भराना, खाए ते पेट भराना क्यों मुँह मारे पातों में। बंधा हुआ छुटवाया है नू जोर हमारे हाथों में, जेठ भड़की अग्नि से तू केलेगा इन बातों में। बंधा हुआ छुटवा किसी समय पे फरके रण खेतों में झंडी हो, जन्म जन्म की आग सुलगती हो ना सकी ठंडी हो। जिसको देती मात भवानी रण में चेत चंडी हो, बेटी कैसे कहे जेठ जब कही सभा में रंडी हो। समझदार ले समझ इशारा, समझदार ले समझ इशारा मूर्ख समझे लातों में। बंधा हुआ छुटवाया है नू जोर हमारे हाथों में, जेठ भड़की अग्नि से तू केलेगा इन बातों में।
बटे बिन वृथा जिंदगी खोनी है। कर्म करया भर ना होगा और राड मुफत में झोनी है। बिना लड़ाई हुए जेठ जी कोन्या संधि होनी है। सर की लटा खुली लटके ये खून गेर के धोनी है। कभी शहद नहीं मिल सकता हाँ, कभी शहद नहीं मिल सकता। इन बिरड़ ततियों के छातों में बंधा हुआ छुटवाया है न्यू जोर हमारे हाथों में। जेठ बड़ की अग्नि से तो द्रौपदी की कड़वी बातों को सुनकर दुर्योधन को भी गुस्सा आ गया। अब तो अर्जुन समझाता है और द्रौपदी से कहता है कि पांचाली ये वक्त हमारा बहस करने का या दुर्योधन से झगड़ा करने का नहीं है। यह तो हमारे द्वारे पर आया हुआ है और हमने इस पर एहसान भी किया है। जो भी कुछ हुआ है उसको तू सत्य कह रही है, लेकिन आखिर दुर्योधन तेरा जेठ लगता है और फिर हमारे द्वार पर आया है, तो यह तुम्हें शोभा नहीं देता कि यहां आने के बाद में तू उसकी बेइज्जती करे और ऐसी चुभती हुई बातें इसको इस समय मत कहो। यदि कभी समय आया तब इस प्रकार की बातें करना। तो द्रौपदी कहती है कि धनुर्धर, क्या तुम्हें वो याद नहीं कि दुर्योधन ने मेरा सभा में अपमान किया था? क्या तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भीम की प्रतिज्ञा बिल्कुल याद नहीं रही? और फिर गुस्से में आकर के द्रौपदी अर्जुन को ही समझाने लगती है। क्या कहती है? भूल गया पिया जी भरी सभा में बुलाई थी, नंगी जान करके तेरे सामने दिखाई थी। भूल गया पिया जी भरी सभा में बुलाई थी, नंगी जान करके तेरे सामने दिखाई। बात न जिस मानस के लागे उसको देख के अग्नि जागे, उसको देख के अग्नि जागे। चीर तार के सबके आगे, चीर तार के सबके आगे, मैं नगन नचाई थी तेरी उस दिन भुजा टूट गिरो के इसने हंसी कराई थी। भूल गया प्याज भरी सभा में बुलाई थी, नंगी जान करके तेरे सामने दिखाई थी। राज से बैठे हाथ झाड़ के तुम भागे थे रात फाड़ के, तुम भागे थे रात फाड़ के। लाखा मंडप में पाड़ के उसने आग लगाई थी, धक्के खाते फिरे भरी जब घनी हो सवाई थी। भूल गया प्याज भरी सभा में बुलाई थी, नंगी जांग करके तेरे सामने दिखाई थी।
लग रे कष्ट कहर के काटे लग रे कष्ट कहर के भीम को लड्डू खवा जहर के भीम को लड्डू खवा जहर के लाश बहाई थी थारे साथ में थारे भाई ने बजी जुए की लाई थी बोल गया प्याज भरे सभा में बुलाई थी नंगी जान कर के तेरे सामने दिखाई थी सारे धोखे के भाव पिछड़ेंगे आज ममता में आके तणगे आज ममता में आके तणगे आज कैसे भाई बन गए जिनसे जन्म लड़ाई थी रघुनाथ जी को गुरु मान सिंह ने ये कथा पढ़ाई थी भूल गया प्याज भरे सभा में बुलाई थी नंगी जांग करके तेरे सामने दिखाई थी। द्रौपदी के इस प्रकार के शब्द दुर्योधन के सीने में तीर के समान चुभते गए। वह भी अब तो स्वयं को नहीं रोक पाया, क्रोध में भर गया, पांडवों को बुरी भली कहता है, द्रौपदी में अनेक प्रकार के दोष निकालता है और क्या कहता है। गे अकली ने पांचों भाई भूखे नंगे कर रखे पांव की जुती तिरिया ने राजा भिख मंगे कर रखे बेअकली ने पांचों भाई भूखे नंगे कर रखे पांव की जुती तिरिया ने राजा भिख मंगे कर रखे खोटी शकल चुड़ैलो जैसी हर लेखे या परी हुई अनाश करा के मानेगी मेरे मन में असली जरी हुई कुनबा खानी बहु निमानी नीम नाश की धरी हुई नागन के सारंग काला से जीव जहर की भरी हुई राखे बेअकली ने पांचो भाई भूखे नंगे कर राखे पांव की जुती तिरिया ने रा जा भिख मंगे कर राखे बेअकली ने पांचो भाई भूखे नंगे कर राखे। तिरिया तड़वे तड़े की हो तुमने बिल्कुल नहीं चसम खोली बोली आज तिजाब जान के काया मेरी भसम होली सबकी श्यामत आवेगी अब उल्टी रीत रसम होली तम पंचो चुपिया तिरिया गर्जे नारी थारी खसम होली फिरो भटकते मारे मारे
नंगे करे राखे पाँव की जुती तिरिया नेरा जाबे कमंगे करे राखे बेकली ने पंचो भाई रुके नंगे करे राखे थारे आगे तिरिया तर तर बोले थारे शर्म और कुछ काए नहीं तिरिया भरी चरित्र की ब्रह्मा भी सका पिछाने नहीं हटकी हटली जिद की पूरी तके लाभ और हान नहीं थारे जीते जी का रसा तुम्हें देगी खान कमान नहीं काबे ढंगे कर राखे बेकली ने पंचो भाई भूखे नंगे करे राखे पाँव की जुती तिरिया नेरा जाबिक मंगे कर राखे बेकली ने पंचो भाई भूखे नंगे करे राखे के कहे में चले वो एक दिन पछतावेगा वेद व्यास का कथन कथा महा भारत की जो गावेगा या मस्त वो चैन पड़े ना नहावेगा ना खावेगा कहने वाला सुनने वाला भवसागर तेरे जा मलंगे कर राखे बेकली ने पंचो भाई भूखे नंगे कर राखे पाँव की जुती तिरिया नेरा जाबिक मंगे कर राखे बेकली ने पंचो भाई भूखे नंगे कर राखे। दुर्योधन के ये शब्द सुनकर अब तो पास में खड़ा भीम स्वयं को रोक न सका। उसकी आंखें लाल हो गई, दुर्योधन की बातों से क्रोध में भर गया। कहता है कि दुर्योधन, अभी वक्त नहीं आया है, लेकिन समय आने पर तेरे एक एक शब्द का हिसाब चुकता करूंगा। हम संधि करके तेरे से राज नहीं लेना चाहते, हम तो तलवारों के बल पर राज लेंगे। और हमारे साथ में जो भी कुछ हुआ है वह तो भाई धर्म के शांत स्वभाव के कारण ही हुआ है। हमें किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ में संधि नहीं करनी। रण क्षेत्र में हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। इस प्रकार से दुर्योधन को ललकारता हुआ भीम क्या कहता है। बोल्या गरज गरज बलकारी भुजा के बल पे राज करेंगे तेग से ले सरदारी। ओ बोल्या गरज गरज बलकारी भुजा के बल से राज करेंगे तेग से ले सरदारी। ओ बोल्या गरज गरज बलकारी असली बात ये है नीचा धर्म ने दिखाया है तू हो गया देने वाला और हमें फकीर बताया है। एक सी समय न रहती धूप का दे छाया है एक सी समय न रहती धूप का दे छाया है। हमें कह कंगाल आज तेरे पास माया है शर्म नहीं अत्यभिमानी भूल में गरमाया है। बंधा हुआ तू बन में नीच कंगले ने छुटवाया है बंधा हुआ तू बन में नीच कंगले ने छुटवाया है। हाँ समय के ऊपर देखा जा है
किसकी भुजा करारी ओ बोल्या गरज गरज बलकारी भुजा के बल से राज करेंगे देख सले सरदारी ओ बोल्या गरज गरज बलकारी का काम होता है आदमी अपाज का भुजागी मालूम आदत छतरी के मिजाज का बेईमान छड़िया तेरे खोज ना लिहाज का बेईमान छड़िया तेरे खोज ना लिहाज का याद रखियो जुए बाज बोल मेरा आज का पाड़ लूंगा पूरा अपने मूल और ब्याज का गदा से बंटवारा करूं हस्तनापुर के राज का गदा से बंटवारा करूं हस्तनापुर के राज का हाँ समय आन दे ले लूंगा तेरा मार के मान जुआरी हो बोल्या गरज गरज बलकारी भुजा के बल से राज करेंगे एक चले सरदारी पाप का अपने हाथ फोड़ूंगा रुके से ना रुकूं जब मैं लेके गदा दौड़ूंगा 101 कैरों को मैं तोड़ूं और मोड़ूंगा 101 कैरों को मैं तोड़ूं और मोड़ूंगा टूटा हुआ तार प्यार फेर दिया से जोड़ूंगा ऐठ में शरीर तेरा सारा लहू निचोड़ूंगा नंगी जांग दिखाई थी मैं उसने आप तोड़ूंगा नंगी जांग दिखाई थी मैं उसने आप तोड़ूंगा हाथ तेरे लहू का तेल गेर के समारे नारी हो बोल्या गरज गरज बलकारी भुजा के बल से राज करेंगे एक सले सरदारी हो बोल्या गरज गरज बलकारी बली भीम संधि करता नहीं मारे जी का घाव तेरे लहू पिए बिन भरता नहीं राजपूत का बेटा कभी लड़ाई से डरता नहीं राजपूत का बेटा कभी लड़ाई से डरता नहीं ना सहता अपमान जुट्टी बोर करता फिरता नहीं सो कैरों को मारूंगा मैं आज कहे बिन सरता नहीं मरता है शरीर और जीव आत्मा मरता नहीं मरता है शरीर और जीव आत्मा मरता नहीं हाँ गुरु मान सिंह की पूजा कर ले रघुनाथ पुजारी गरज बलकारी भुजा के बल से राज करेंगे सने सरदारी हो बोला गरज गरज बलकारी। प्रेमियों पांडव वनवास का यह किस्सा अब यहाँ समाप्त होता है और अब आपके सामने एक भजन पेश है। आगे कृष्ण जी भगवान धरे जोन ध्यान धोड़ी शान पीतांबर पाणा से
दे बिलनी के खालिए बेर जी वे तो कर के उठा लिए मेर जी जो रघुनाथ लक्ष्मण साथ बन के पाते तोड़े कने खाना से बचा दिए होली में ताता खंब पकड़ा दिया कोड़ी में तने हिरणा कुसे दिया मार बनो तलवार यो सा कारे अकल मंदे शाना से चंडाल बन के नकाल तू सब ढाल भगत ने बचाना से हाँ